हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक और हेल्दी रेसिपी जिसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में फाइबर है, आयरन है, साथ ही ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। जब हम बीमार होते हैं तो बीमारी से रिकवरी करने में ये दलिया काफ़ी ज़्यादा मददगार है, साथ ही ये बच्चों के लिए भी हेल्दी है और जो वेट लूज करना चाहता है उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ऐसे टेस्टी साथ ही साथ हेल्दी रेसिपी के लिए मैंने लिया है गेहूं दलिया। ये गेहूं का दलिया है, ये इजीली किसी भी मार्केट में अवेलेबल होता है। ये बहुत ही इजीली डाइजेस्ट भी होता है, इससे आप नमकीन, स्वीट कोई भी डिश बना सकते हैं। तो ये है एक कप गेहूं का दलिया। उसके अलावा मैंने लिए हैं कुछ वेजिटेबल्स, जैसे कि एक बड़ा प्याज है, एक टमाटर है, एक गाजर है, आलू है, एक इंच अदरक का टुकड़ा, हरी मिर्च, करिया पत्ती। उसके अलावा मैंने लिया है एक टीस्पून जीरा, एक टीस्पून सरसों, हल्दी और नमक, और 1/4 टीस्पून हींग है और घी। उसके अलावा मैंने आधी कटोरी मटर भी यूज़ किया है। अभी मैंने रखा है एक कुकर, उसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून घी। घी की जगह आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने डाला है सरसों, जीरा, हींग और एक स्ट्रिप करिया पत्ती का डाल के मैं इसको हल्का भून रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी बारीक कटा प्याज। प्याज डाल के इसे हम लोग थोड़ा सा भून लेंगे। हो सके तो ये रेसिपी आप प्रेशर कुकर में ही बनाना। प्रेशर कुकर में बनाओगे तो ये बहुत अच्छे से पकेगा और जल्दी भी बनेगा। अब मैंने प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भुना, हल्का भुना है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है एक हरी मिर्च बारीक काट के। उसके बाद मैंने अदरक को खिस के डाला है। आप चाहो तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इस रेसिपी में मैं बहुत ही कम स्पाइसेस का यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने मिर्च पाउडर नहीं डाला है। आप चाहो तो मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हो। अब मैं डाल रही हूँ बारीक कटे वेजिटेबल्स। सबसे पहले मैंने डाला है गाजर और आलू। जो भी मेरे पास वेजिटेबल अवेलेबल है मैंने उनका यूज़ किया। आप चाहो तो इसमें गोभी, शिमला मिर्च, जो आपको पसंद है या जो आपके पास अवेलेबल है आप उनका यूज़ कर सकते हैं। अभी वेजिटेबल भी डाल के मैं इनको हल्का भून रही हूँ। उसके बाद इसमें मैं डालूंगी गेहूं दलिया। गेहूं दलिया आप चाहो तो पहले भी भून के डाल सकते हो, बट मैं डायरेक्ट ऐसे ही भूनती हूँ, इसलिए मैंने प्याज को और वेजिटेबल्स को ज़्यादा नहीं भुना था। अब मैं गेहूं दलिया के साथ इनको भूनूंगी। अब हमें गेहूं दलिया और वेजिटेबल को तब तक भुनना है जब तक कि दलिए का हल्का कलर चेंज नहीं हो जाता, या तब तक जब तक कि दलिया अच्छे से भुन नहीं जाता। इसे धीमी आँच पर मैंने अराउंड 3 मिनट तक भुना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मटर, ये फ्रोज़न मटर है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ एक टमाटर। टमाटर डाल के अब इसे हम लोग थोड़ा सा और भुनेंगे। आप देख सकते हैं दलिया का कलर भी चेंज हो गया है और ये काफ़ी अच्छे से भुन गया है। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं। अब इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी। हल्दी मैंने पहले नहीं डाला है ताकि हमें दलिया भुना कि नहीं उसका कलर समझ में आए, इसलिए आप चाहो तो हल्दी पहले भी डाल सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से भुन गई हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। तो मैंने 1 कप दलिया लिया था इसी कप से, तो इसी कप से अभी मैं डाल रही हूँ 4 कप पानी। आप कटोरी, कप, ग्लास जो भी लो उससे 4 गुना पानी लेना है। अभी मैंने 4 कप पानी डाला है। पानी डालने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। यहाँ पे मैं अराउंड 1 टीस्पून नमक का यूज़ कर रही हूँ। नमक डालकर अब इसको हल्का मिक्स करके ढक्कन लगाकर मैं इसे 4 विजल आते तक अच्छे से पका लूँगी। उसके बाद मैं प्रेशर कुकर को अपने आप ठंडा होने दूँगी। अब 4 विजल बाद हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी गेहूं दलिया खिचड़ी बनके रेडी है। दलिया बनने में कभी कभी थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, वो डिपेंड करता है दलिया की क्वालिटी के ऊपर। अगर आपका दलिया 4 या 5 विजल में नहीं पका है तो आप थोड़ा सा और गर्म पानी डाल के उसे 1-2 विजल और देना। अब मैं इसे निकाल रही हूँ सर्विंग प्लेट में। उसके बाद मैं इसे सर्व कर रही हूँ दही के साथ। आप इसे ऐसे भी खा सकते हो, ऐसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, या दही या रसम या सब्जी के साथ भी सर्व कर सकते हो। अब आप भी ये टेस्टी हेल्दी गेहूं दलिया ज़रूर बनाइए। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।